अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के पुलिस थाना बड़सर में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। बिजली राम पुत्र दुर्गा राम गांव बारी चौक डाककर बटवारा तहसील गुमारनी जिला बिलासपुर ने बेटी निशा के ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। वही मामले में SP अर्जित सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति ने 3 दिन पहले आत्महत्या का प्रयास किया था और PGI में इलाज चल रहा है। हमीरपुर जिला के पुलिस थाना बड़सर में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। बेश्री राम पुत्र दुर्गा राम गांव बारी चौक डाकघर भटवारा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर ने बेटी निशा के ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं मामले में SP अर्जित सेन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति ने 3 दिन पहले आत्महत्या का प्रयास किया था और PGI में इलाज चल रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि जमाई राजकुमार बेटी का ससुर शंकरदास और सास कश्मीरी देवी उनकी बेटी को ससुराल में दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं, जिससे बेटी पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार हो रहा है। बेटी की शादी को 12 साल हुए हैं और बीते 6 सालों से ससुराल पक्ष बेटी को तंग कर रहा है। 2 माह पहले उसके चाचा ससुर ने भी बेटी के साथ मारपीट की है। SP अरिजीत सेन ने बताया कि रैली जजरी के एक परिवार पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत लड़की के पिता ने दर्ज करवाई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। 14 तारीख को 156/19 FIR दर्ज हुई है, जिसमें बिलासपुर के रहने वाले बीसी राम जी की तरफ से कंप्लेंट है कि उनकी जो बेटी है उनको प्रताड़ित किया जा रहा था उनके ससुराल वालों के द्वारा। शिकायत उनके पति के खिलाफ भी है, जिनका नाम राजकुमार है, रैली जाजरी बड़सर के वो रहने वाले हैं। इसके अलावा शंकर दास और उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उन दोनों के खिलाफ, यानी सास और ससुर दोनों के खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्ज की है। अभी लेटेस्ट इसमें ये था कि 10 तारीख को, क्योंकि इन्होंने जो विक्टिम है उन्होंने आत्मदाह करने का एक प्रयत्न किया था, सुसाइड कमिट करने का, और वो अभी PGI में एडमिटेड है। क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार वो कोई स्टेटमेंट देने को अभी के काबिल नहीं है, इसलिए हम उन्हीं की वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से हमको एक बार ये मिले कि वो स्टेटमेंट दे पाएंगे, तो हम इसमें आगे और जल्दी से इंक्वायरी कर पाएंगे।